बैंक की एफडी तोड़ दिए मैंने, तुम्हारी कोचिंग की फीस हो जाएगी इससे, और बाकी के खर्चों के लिए ये। यूपीएससी के लिए दिल्ली जाना जरूरी नहीं है। अपने सपनों का बोझ अपनों पे मत डाल, अब दिल्ली मत चल। तू भीड़ नहीं, तू भीड़ नहीं, तू भीड़ नहीं, तू भीड़ नहीं, तू दुनिया के पीछे मत चल। तू शेर नहीं, तू सपा शेर, अपनी बारी करते हल चल। दिल्ली मत चल, 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 दिल्ली मत चल। तुम तो दिल्ली जाने वाले थे ना तैयारी के लिए। जब यूपीएससी के सारे सुपर टीचर्स खुद मेरे पास आ रहे हैं, दिल्ली को जाना। तू जहाँ वहीं से सीखेगा, तू अपने दम पे जीतेगा, तुझे रोक सकेगी क्या दिल्ली, तेरा नाम आसमां चीखेगा। तो जो कोई भी ये क्राइटेरिया मीट कर लेता है उसे सिटीजनशिप बाय डिसेंट मिल जाएगी। एनी डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सर, सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन। देखिए ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, इसीलिए है क्योंकि लास्ट ईयर के यूपीएससी एग्जाम में 20 नंबर का आया था। हाउ मेनी मार्क्स? अपनी शर्तों पे जीना है, तुझे ज्ञान तोड़ कर पीना है, दुनिया को मोड़ इशारों पे, तू दुनिया के रंग में मत ढल। दिल्ली मत चल, दिल्ली मत चल, हैशटैग दिल्ली मत चल बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, और आज हम कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के बीच हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल कोचिंग क्लासेस को रिजेक्ट करने का फैसला ले लिया है। देश का आने वाला कल, दिल्ली मत चल, दिल्ली मत चल, दुनिया देखेगी तेरा बल, दिल्ली मत चल, दिल्ली मत चल। इंडिया के सुपर टीचर्स के साथ अब होगी यूपीएससी क्रैक। डाउनलोड करो टेस्ट बुक ऐप। हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आपका दोस्त गौरव testbook.com पे स्वागत करता है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है एसएससी सिलेक्शन फेज 10 की यहां पर क्या आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो अब वो समय आ चुका है कि अब हमें प्रारंभ करना चाहिए इस युद्ध को, मतलब हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और तैयारी शुरू करना चाहिए तो वो कहाँ से करनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो दोस्तों आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पर हम 2020 का पेपर एक लगाएंगे जहां पे हमें एक आइडिया होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आए थे, और हम उसी बेसिस पे आगे के प्रिपरेशन को रखेंगे कि यहाँ पे कौन से पार्ट से आया था। तो तीन चार चीजें हमें एनालाइज करनी है। क्या क्या एनालाइज करना है दोस्तों? तो एनालिसिस में आपको ये देखना है कि कौन से पार्ट से आया था, मतलब कौन से टॉपिक से आया था, कितना वेटेज था, ठीक है, और क्या लेवल था। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है, और यहाँ पर आज हम एसएससी फेज 10 करने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है यहाँ पे लेवल किसमें होता है, तीन में होता है, एक मैट्रिक लेवल पे होता है, एक हायर सेकेंडरी लेवल पे होता है, और एक होता है ग्रेजुएशन लेवल पे। तो आज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं यहाँ पे 14 दिसंबर 2020 का पेपर, ठीक है। तो उससे पहले सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। यस सुदीप, पूनम, एम, दीपक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके लिए मोटिवेशनल कोट, लक का तो पता नहीं लेकिन अवसर जरूर मिलती है मेहनत करने वालों को। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो डेफिनेटली है अवसर आपको मिलेगा, लेकिन लक का तो कुछ पता नहीं भाई। लक हमारा कैसा हो, उसको जो हमारे हाथ में नहीं उस पर रहना भी क्यों डिपेंड है ना। हमारे हाथ में क्या है, मेहनत, तो हम उस पर करेंगे मेहनत, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, इसलिए टेस्ट बुक आपके लिए लेकर आया है डील ऑफ द मंथ, जहां पे दोस्तों 399 में 12 महीने का पास मिल रहा है, जहां पर आप एक एग्जाम नहीं 470 एग्जाम तैयारी कर सकते हो 34,000 मॉक टेस्ट के साथ, और इसमें भी आप डिस्काउंट ले सकते हो बाय अप्लाइंग कूपन कोड। दोस्तों गैम पास अप्लाई करते ही आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट GAMPASS, जो कि मेरा कूपन कोड है, इसको यूज करेंगे आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन आ गया, विच इंडियन फुटबॉल प्लेयर इज पॉपुलरली नोन एज कालो हरिन, भैया ब्लैक बक, किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी को कालो हरिन ब्लैक बक के नाम से जाना जाता था, यह जाना जाता है, नेविले डिसूजा, आई एम विजयन,
चूनी गोस्वामी, प्रदीप कुमार बनर्जी, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। यहां पे अभी तक किसी का आंसर नहीं आया दोस्तों, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। यहां पे ध्यान से आंसर करिएगा, ए ऑप्शन कह रहे हैं एम, लेकिन डाउटफुली कह रहे हैं दोस्तों। यहां पर यही तो बात है, यहां पर आपको आंसर कॉन्फिडेंटली करना है, ठीक है। अभी तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं अपन, तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा आई एम विजयन। क्या दोस्तों, आई एम विजयन जो है वो करेक्ट आंसर है दोस्तों। ये किस कहां से बिलोंग करते हैं, थिरुसर सिटी, कहां से दोस्तों, थिरुसर सिटी से बिलोंग करते हैं। और थिरुसर सिटी कहां पर दोस्तों, केरला में है, कहां पे दोस्तों, केरला में। 1969 में भैया ये इंक्लूड हुए थे, याद रखिएगा, फुटबॉल प्लेयर है, क्या है, फुटबॉल प्लेयर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट रेसिपियंट ऑफ परमवीर चक्र, इंडियाज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन भारत के सर्वोच्च सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र के पहले प्राप्तकर्ता थे, जादुनाथ सिंह, धन सिंह थप्पा, पीरू सिंह और सोमनाथ शर्मा। दोस्तों आपसे पहला पूछा है, पहला रेसिपियंट ऑफ परमवीर चक्र, जल्दी से बताइए। डी ऑप्शन कह रहे हैं सोमनाथ शर्मा कह रहे हैं, फटाफट बताइए, सारे लोग डी के साथ जा रहे हैं। पूनम भी कह रहे हैं डी होना चाहिए, एम भी कह रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड एम। इसी तरीके से पढ़ाई करनी है, हर एक चीज पता होना चाहिए, बिल्कुल। कुमायूं रेजिमेंट से थे, कौन थे वो, सोमनाथ शर्मा जी थे, कौन थे, सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट है। चले बहुत बढ़िया दोस्तों, इसी तरीके से दोस्तों एक बार फटाफट से शेयर कर देंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर आए और उनको भी यहां पे पता चल जाए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस लेवल के आए थे। परमवीर चक्र कौन सा दोस्तों, हाईएस्ट गैलेंट्री है क्या दोस्तों, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है क्या परमवीर, जल्दी से बता दो दीजिए। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आप सामने रहा, विच स्टेट ऑफ इंडिया होस्टेड द 13th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। भारत के किस राज्य ने जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर सम्मेलन के 13वें सम्मेलन की मेजबानी की थी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, केरला और तमिलनाडु, जल्दी से बताएंगे। गुजरात कह रहे हैं, जल्दी से बताएंगे, चलिए बिल्कुल यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों गुजरात। ये कब की गई थी दोस्तों, फरवरी 2020 में की गई थी, है ना, फरवरी 2020, ठीक है। और दोस्तों इसकी थीम क्या थी, माइग्रेटरी एनिमल कनेक्ट प्लेनेट, क्या था दोस्तों, माइग्रेटरी एनिमल कनेक्ट प्लेनेट एंड वी वेलकम देम होम, ठीक है, ये थी दोस्तों थीम, ये याद रखिएगा दोस्तों। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कब आया, जल्दी से बताइए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कब आया 1972 में आया, 1973 में आया, 1975 में, तो दोस्तों ये पूछा जा सकता है, तो 1972, ठीक है। आगे बढ़े, वेरी गुड, अगला प्रश्न आपके सामने, इन विच ईयर डिड इंडिया लॉन्च प्रोजेक्ट टाइगर, भारत ने किस वर्ष में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया, फटाफट से, 1962, 1989, 1973, 1984। टाइगर प्रिजर्वेशन की बात की जा रही है, प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जा रही है, 1973 यहां पे लोग कह रहे हैं, तो मिस्टर खिलाड़ी, बीपीएससी लवर, पूनम, ठीक है भाई, यहां पे जो भी 1973 के साथ जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। सबसे ज्यादा यहां पे टाइगर कौन सी स्टेट में है, बोले सर एमपी में, बोले बहुत ज्यादा इधर पे है, बोले हाँ, बोले कितना सर, बोले बहुत ज्यादा टाइगर, बोले कितना, बोले बहुत ज्यादा, बोले कितना दोस्त, बोले 526 सर, ठीक है। फिर दूसरे में महाराष्ट्र है क्या, जल्दी से बता दो दीजिए दोस्तों, महाराष्ट्र है क्या या कर्नाटक है, जल्दी से बता दीजिए कौन सा है दूसरे नंबर पे, 524 नंबर के साथ है, लेकिन कौन सा है, महाराष्ट्र है या कर्नाटक है, फटाफट बताइए। हाँ, टाइगर स्टेट एमपी, यहां पे कर्नाटक कह रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, महाराष्ट्र नहीं है दोस्तों, कर्नाटक है, कर्नाटक 524 के साथ, और यूके 442, बोले यूके क्या सर, यूनाइटेड किंगडम नहीं दोस्तों, उत्तराखंड की बात हो रही है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल एम्ड एट असाइनिंग इनॉर्मस पावर टू द पुलिस टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड डिटेन पॉलिटिकल प्रिजनर्स।
यहाँ पे औपनिवेशिक शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्य राजनीतिक गतिविधियों के दबाने और राजनीतिक कैदियों को बंद करने के लिए पुलिस को भारी अधिकार प्रदान करता था? चार्टर एक्ट, गवर्नमेंट एक्ट, रॉलेट एक्ट या पिट्स इंडिया एक्ट? बड़ा सिंपल सा आंसर है दोस्तों, सभी लोगों ने आंसर भी दे दिया, वाह क्या बात है। लवन्या, मिस्टर खिलाड़ी, माय एम, दीदारा, ओके, सलोनी, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर दोस्तों रौलत है। क्या दोस्तों? रौलत है भैया। ना दलीलें सुनी जाएंगी, ना अपीलें सुनी जाएंगी, यहाँ पे डायरेक्टली आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। 1919 की बात है, 1919 में बहुत सारी चीजें हुई। रौलत एक्ट हुआ, खिलाफत मूवमेंट हुआ, क्या हुआ, खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था भैया, ठीक है। फिर क्या हुआ था, जलियनवाला बाग मैसेकर भी हुआ, क्या हुआ, जलियनवाला बाग मैसेकर, ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा, विच डैम ऑफ इंडिया हैज रिजर्वायर नेम्ड गोविंद सागर लेक? भारत के किस बांध में गोविंद सागर झील नाम का जलाशय है? सरदार सरोवर डैम, नागार्जुना सागर डैम, भाकरा नांगल डैम और हीराकुड डैम? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, यहां पे कह रहे सर सी होना चाहिए, बाकी लोग क्या कहते हैं? सी के साथ सभी लोग जा रहे हैं, भाकरा नांगल, पूनम बी के साथ जा रहे हैं, सलोनी सी के साथ, क्रिएटिव एसजी सी के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी सी के साथ जा रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। क्या दोस्तों? बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। अभी दोस्तों भाकरा नांगल डैम हिमाचल में है क्या दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। कौन से नदी पे? सतलज नदी पे। क्या जल्दी से बता तो दीजिए दोस्तों, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन पता नहीं, सॉल्यूशन मिला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। क्या दोस्तों? बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। अब आप बिलासपुर वो मत समझ लेना दोस्तों छत्तीसगढ़ वाला, ये बात की जा रही हिमाचल प्रदेश में जो बिलासपुर है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। सरदार सरोवर डैम तो दोस्तों नर्मदा नदी पे है। कौन सी नदी पे है? नर्मदा नदी पे है। नागार्जुना सागर डैम दोस्तों कृष्णा नदी पे है। किस पे है? कृष्णा नदी पे है। हीराकुड कौन से डैम पे है दोस्तों, सॉरी कौन से रिवर पे है? महानदी रिवर पे है, ठीक है। आगे बढ़े, चले, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द शार्प फ्लेवर इन द सॉफ्ट ड्रिंक? शीतल पेयजल में तेज स्वाद के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल जिम्मेदार है? बोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड और हाइड्रो फ्लोरिक एसिड। दोस्तों आप लोगों ने पिया होगा क्या, पेप्सी, थम्स अप, ठीक है, माजा या फिर स्प्राइट, तो उसमें दोस्तों क्या मिला होता है जल्दी से बता दो दीजिए फटाफट से। फोर्थ ऑप्शन कह रहे हैं हाइड्रोफ्लोरिक, हाइड्रोफ्लोरिक कह रहे हैं, बी ऑप्शन कुछ लोग कह रहे हैं। दोस्तों HCl मिला दोगे तो इंसान ही लुढ़क जाएगा, ठीक है, इंसान बचेगा ही नहीं अगर HCl मिल जाएगा। यहाँ करेक्ट आंसर होगा फॉस्फोरिक एसिड। क्या होगा दोस्तों? फॉस्फोरिक एसिड मिलाया जाता है, ये कलरलेस होता है। क्या होता है दोस्तों? कलरलेस। हालांकि ये भी हार्म करता है हमें, लेकिन इसके लिए आपको क्या करते हैं, इसके स्वाद को बढ़ाने के लिए एक शार्पनिंग आती है ना दोस्तों, कहते हैं ना, तो वो मिलाया जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। यहाँ पे दोस्तों बोरिक एसिड क्यों यूज होता है? आई वॉश के लिए। किसके लिए? आई वॉश के लिए, या फिर एज अ क्लिंजर भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, याद रखेंगे। और एसिड रेन, एसिड रेन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों? अम्ली बारिश के लिए H2SO4, मतलब अगर SO2 गैस देखा जाए और NO2, ये एनवायरमेंट में होते हैं, ये रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाते हैं, H2SO4, HNO3, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए दोस्तों एक बार फटाफट से जम से एक बार शेयर कर दीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट ऑथर राइटिंग इन इंग्लिश टू बी कन्फर्ड द साहित्य अकादमी अवार्ड? निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले लेखक थे? आर के नारायण, राजा राव, अनीता देसाई, विक्रम सेठ? फटाफट से बताएंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मिस्टर खिलाड़ी। जल्दी से बताइए फटाफट से बताएंगे, ए ऑप्शन के साथ सभी लोग जा रहे हैं। चलिए यहां पे दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आर के नारायण। अब ये साहित्य कला अकादमी जो अवार्ड है ये कब से स्टार्ट हुआ दोस्तों? सबसे पहली बार मिला था 1955 में, सबसे पहली बार मिला 1955 में, ठीक है। और दोस्तों इसको कब स्टार्ट, मतलब कब किया गया था, मिलना 55 से स्टार्ट हुआ लेकिन उसको एस्टेब्लिश 1954 में ही कर दिया गया था। पहले दोस्तों 5,000 रुपए इसमें मिलते थे, कितने मिलते थे? 5,000 रुपए करेंसी मिलती थी। फिर बाद में बढ़ के दोस्तों 1,00,000 तक हो गई, ठीक है, कितनी हो गई? 1,00,000 तक हो गई, ये याद रखिएगा। स्टार्टिंग में 5,000 रुपीज ही मिलते थे सिर्फ,
ठीक है। आर के नारायण ने बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, जैसे कि सबसे फेमस आपने सुना ही होगा मालगुडी डेज, इसके तो आपने सीरियल भी देखे होंगे और बुक्स भी पढ़ी होंगी, ठीक है। चले आगे, हाँ जी बहुत बढ़िया एम। चले आगे, अगला प्रश्न आपके सामने ही रहा, वॉट इज द साइट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक नर्व इंपल्स बिटवीन टू नर्व सेल और बिटवीन न्यूरॉन एंड अ ग्लैंड और मसल सेल, दो तंत्रिका कोशिकाओं के बीच या एक न्यूरॉन और एक ग्रंथि या मांसपेशियों के बीच विद्युत तंत्रिका आवेगों के संरक्षण के साइट क्या हैं? दोस्तों डेंड्राइट है, सिनेप्स है, एक्सॉन है या फिर माइलिन शीथ है। दोस्तों आपने देखा होगा न्यूरॉन के बीच में ऐसे गैप होता है, ठीक है, उस गैप को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे। सिनेप्स कह रहे हैं, स्नैप्स आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। तो दोस्तों बिल्कुल यहां पे राधे राधे, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, सिनेप्स इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों अगर हम नर्व सेल की बात करें कुछ इस प्रकार दिखता है, ठीक है, इसी तरीके का दिखता है ना दोस्तों, ठीक है, फिर यहां से ऐसे ऐसे निकले होते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है, यहां पे न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इस तरीके से हेड वाला पार्ट है, ये टेल वाला पार्ट है, और दूसरा ऐसे नर्व सेल बनेगा, उसके बीच में जो गैप आएगा उसको हम कहेंगे सिनेप्स, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने, टू विच स्टेट डज द ट्रेडिशनल वाइब्रेटिंग रीड इंस्ट्रूमेंट गोगोना विच इज मेड अप ऑफ अ सिंगल पीस ऑफ सीजन बैम्बू बिलोंग, पारंपरिक संबंधित एक उपकरण गोगोना किस राज्य में एक मौसम वाले बांस के टुकड़े से बना है, असम, उड़ीसा, हरियाणा या केरल, फटाफट बताइए फटाफट से। यहां पे कह रहे हैं सर उड़ीसा होना चाहिए, किम जोंग उन कह रहे हैं, खिलाड़ी कह रहे सर असम होगा, तान्या कह रहे सर उड़ीसा होना चाहिए, मलिक कह रहे उड़ीसा होना चाहिए, तो दोस्तों करेक्ट आंसर यहां पे क्या है, असम है, असम इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर है, क्या है, दिसपुर है। यहां पे दोस्तों बिहू फेस्टिवल मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, बिहू का त्योहार। और दोस्तों यहां पे कौन सा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो कि वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है, मतलब एक सींग गैंडे के लिए, और यहां पे दोस्तों मानस नेशनल पार्क भी है, ठीक है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वॉज द खिलाफत कमेटी फॉर्म इन मार्च 1919, दोस्तों मार्च 1919 में यहां पर निम्नलिखित में से किस शहर में खिलाफत समिति का गठन किया गया था, कलकत्ता जो कि कोलकाता हो गया है, बॉम्बे जो कि मुंबई हो गया है, लाहौर जो कि पाकिस्तान वाला पार्ट है, मद्रास जो कि अब चेन्नई हो गया है। यहां पे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं तान्या, किम जोंग कह रहे सर मद्रास होना चाहिए, सुपर्णा कह रहे कलकत्ता, कोई बॉम्बे के साथ जाएगा, कोई कलकत्ता के साथ जाएगा, सारे ऑप्शन हमने ले लिए हैं ना सारे लोग। दोस्तों यहां करेक्ट आंसर क्या है, बॉम्बे करेक्ट आंसर है, जो करेक्ट आंसर उसके पास तो आप गए नहीं, कलकत्ता के पास चले गए, लाहौर के पास चले गए, मद्रास के पास चले गए, इसके पास भी कोई आ जाता, ठीक है, बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़े, एबीसीडी सारे ऑप्शन लिख दो, है ना। अगला दोस्तों ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसलिए लेकर आया तो आपको यहां से समझ रहा होगा कि आपको कौन कौन से पार्ट, इसलिए मैंने कहा कि आप नोट जरूर कर लीजिएगा दोस्तों कि कहां से क्या पूछ रहा है। हिस्ट्री से अगर आप अभी देखोगे तो दो क्वेश्चन तीन क्वेश्चन आपके तो किससे आ गए, मॉडर्न हिस्ट्री से ही आ गए हैं क्वेश्चन, ठीक है। अभी इससे पहले भी आपने एक देखा था वो, ठीक है, उधर भी अभी आपने खिलाफत मूवमेंट डिस्कस किया, यहां पर भी एक आ चुका है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने कितने क्वेश्चन आते हैं, वेटेज और लेवल, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, यहाँ पे कलामे जुतु इज अ यूनिक आर्ट फॉर्म ऑफ द स्टेट ऑफ डैश विच इज प्रैक्टिस यूजिंग नेचुरल पिगमेंट एंड पाउडर यूजली इन फाइव कलर्स, यहाँ पे कलमजू यहाँ पे की स्थिति से एक अनूठी कला है जिसका उपयोग प्राकृतिक रंजक और चूर्ण का उपयोग करके किया जाता है, आमतौर पर पांच रंगों में है, तमिलनाडु में पाया जाता है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, केरल में, जल्दी से बताइए। केरला कह रहे हैं यहाँ पे, तान्या कह रहे सर ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, सदाब कह रहे सर केरला होना चाहिए, तुलिका कह रहे सर केरला, तो दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या है, केरला करेक्ट आंसर है। दोस्तों केरला में भैया स्पाइस वैसे भी आपको बहुत मिलेगी, क्या मिलेगी, स्पाइसेस बहुत मिलती है ना, मसाले वगैरह, ठीक है। अगर आपसे पूछे महाराष्ट्र में क्या सबसे ज्यादा मिलता है, तो भैया ओनियन मिलता है, क्या मिलता है, ओनियन मिलता है। कर्नाटक में क्या मिलता है दोस्तों, कॉफी मिलती है, क्या मिलती है, कॉफी मिलती है, ठीक है। टी की बात की जाए तो भैया असम और पश्चिम बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल और यहाँ पे असम, ठीक है। सबसे ज्यादा राइस कहाँ पे होता है दोस्तों, तो वो कहाँ पे होता है, राइस वेस्ट बंगाल में होता है। सुगर केन कहाँ पे होता है दोस्तों, सबसे ज्यादा सुगर केन होता है यूपी में। सोयाबीन कहाँ पे होता है दोस्तों, सोयाबीन होता है आपके एमपी में, ठीक है। चले ग्राउंडनट, मूंगफली कहाँ पे होती है, ग्राउंडनट होती है गुजरात में। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा,
अगला प्रश्न आप सामने ये, द जोराई और बोटा आर द ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू द स्टेट ऑफ, जोराई और बोटा पारंपरिक वस्तुएं हैं असम, नागालैंड, सिक्किम, मिजोरम। फटाफट बताएंगे, जल्दी से दोस्तों। और जिन्होंने अभी तक दोस्तों लाइक नहीं किया फटाफट से लाइक करेंगे, और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया शेयर करेंगे। यहां पे कह रहे हैं जल्दी से बताइए क्या होगा फटाफट से, जोराई और बोटा ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट्स बिलोंगिंग टू मिजो कह रहे हैं तानिया नागालैंड के साथ। तो दोस्तों यहां पे करेक्ट आंसर क्या होगा, असम करेक्ट आंसर होगा, असम। दोस्तों आपको पता है ट्राइब्स से क्वेश्चन अभी तक देखिए आर्ट एंड कल्चर के आपको दो तीन क्वेश्चन मिल गए, ठीक है। तो नोट डाउन करते जाइएगा कि आर्ट एंड कल्चर के आपके दो मिले हैं, ट्राइब्स के आपका एक मिला है। तो इसी तरीके से प्रिपरेशन करिएगा जिससे आपको वेटेज पता चल जाए और क्या कर सको आप वहां पे प्रिपरेशन कर सको। यहाँ करेक्ट आंसर असम है दोस्तों। जैसे मोनपा ट्राइब हो गया, मोनपा ट्राइब आपको कहां देखने को मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। कहां मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में मोनपा ट्राइब, ठीक है। अगर बात की जाए यहाँ पे भूटिया ट्राइब, तो भूटिया ट्राइब दोस्तों आपको पहाड़ी एरिया में मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको हिमाचल प्रदेश में भी मिलेंगे, सिक्किम में भी मिलेंगे, भूटान में भी मिलेंगे भूटिया ट्राइब, ठीक है। गोंड सबसे ज्यादा है भारत में, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे भील है, ठीक है। संथल आपको देखने को कहाँ मिलेंगे, संथल आपको झारखंड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलें आगे, अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक्स प्रोविजन रिगार्डिंग द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंट्री। यहाँ पे भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में प्रावधान करता है, 123, 136, 141 और 112। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोस्तों यहां पर आप जिसको बजट कहते हो, बजट संविधान में मेंशन ही नहीं है भारतीय संविधान में, यहां पे मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112, ठीक है। चलिए यहां पे करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 112। दोस्तों 123 क्या है, यहां 123 दोस्तों आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति क्या करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति क्या करते हैं, अध्यादेश, क्या दोस्तों, अध्यादेश, ठीक है, अध्यादेश जारी करते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। हाँ जी आगे बढ़े अगले क्वेश्चन। अच्छा आपसे यहाँ पे पूछ लेगा मनी बिल, मनी बिल किस में मेंशन है, तो मनी बिल आप बता दीजिएगा 110 में, आर्टिकल अनुच्छेद मतलब 110 में। अगला क्वेश्चन, द एटमॉस्फेयर ऑफ प्लेनेट वीनस इज मेड अप ऑफ थिक व्हाइट एंड येलोइश कलर ऑफ, शुक्र ग्रह का वातावरण घने सफेद और पीले बादलों से बना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। दोस्तों आपको पता होना चाहिए वीनस जो है वो कौन से नंबर पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है अगर हम सूरज की तरफ से मूव करते हैं, ठीक है, थीके? मतलब मरकरी के बाद वीनस आता है। ये सबसे हॉटेस्ट और ब्राइटेस्ट प्लेनेट है, कैसा है, यहाँ पे कह रहे सर H2SO4 की वजह से, तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कैसा है दोस्तों, हॉटेस्ट है, ठीक है, एंड ब्राइटेस्ट है, और इसको दोस्तों हम लोग ट्विन ऑफ अर्थ भी कहते हैं क्या, जल्दी से बता दो दीजिए दोस्तों, ट्विन ऑफ अर्थ भी कहते हैं क्या, भारत पृथ्वी की क्या जुड़वा भी कहते हैं, जल्दी से बता दीजिए, सेकंड नंबर पे, ठीक है। आगे बढ़े अगला, और CO2 दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा है जिसकी वजह से गैस ट्रैप होती है और इसका वातावरण गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020, विश्व आर्थिक मंच विश्व लिंग गैप सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है, 112, 123, 98 और 105। देख सकते हैं दोस्तों उस समय करंट अफेयर के क्वेश्चन आए थे, 2020 का पेपर है, दिसंबर 2020 का, कब का पेपर है दोस्तों, 14 दिसंबर, ठीक है, यहाँ पे 14 दिसंबर 2020 का पेपर है, उस समय आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन इस तरीके से आए थे। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी बताइए, यहाँ पे 112 कह रहे हैं, कुछ लोग 123 कह रहे हैं, दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है, 112, क्या दोस्तों, 112। इंडेक्स के क्वेश्चन पूछा गया आपसे, हैप्पीनेस इंडेक्स पूछा जा सकता है, हंगर इंडेक्स पूछा जा सकता है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इस तरीके के इंडेक्स आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, डैश इज वेस्टिजियल होलो ट्यूब दैट इज क्लोज्ड एट वन एंड एंड इज अटैच्ड एट द अदर एंड टू द सीस्टेशियम, अ पाउच लाइक बिगिनिंग ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इनटू व्हिच ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एम्प्टीज इट्स कंटेंट्स। एक शेष को खोखले नली है जो एक छोर पर बंद है और सिकुम के दूसरे छोर पर संलग्न है, बड़ी आंत की एक थैली जैसी छोटी आंत जिसमें छोटी आंत अपनी सामग्री को खाली कर देती है, स्प्लीन, अपेंडिक्स, इलियम और ड्यूडेनम। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एक वेस्टिजियल पार्ट लिखा हुआ है, वेस्टिजियल हॉलो मतलब इसको आप काट के निकाल भी दे तो भी यहां पे दिक्कत नहीं होगी। यहां पे कह रहे हैं ड्यूडेनम को निकाल दोगे तो कैसे चलेगा काम दोस्तों, ड्यूडेनम की आप बात कर रहे हो, कैसे निकाल दोगे। कुछ लोग इलियम कह रहे हैं,
दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा भैया, अपेंडिक्स। तो आपने कई बार सुना होगा लोग कहते हैं कि बिना ऑपरेशन करके अपेंडिक्स निकाल दिया गया है, तो ये वेस्टिजियल पार्ट है भैया, ऐसा नहीं है कि इसको निकाल देंगे तो इंसान बचेगा ही नहीं, ठीक है। स्प्लीन को दोस्तों क्या कहा जाता है, ग्रेवयार्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड, ठीक है। ग्रेवयार्ड क्यों कहा जाता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जब खत्म हो जाते हैं तो भैया इसी में आके गिर जाते हैं, ठीक है, स्प्लीन में ही। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। एस फरवरी 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लैंग्वेजेस इज द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। आपको बताना है फरवरी 2020 तक निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय भाषा दुनिया में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली है। तमिल, पंजाबी, गुजराती और हिंदी, फटाफट से बताइए। यहां पे हिंदी कह रहे हैं, जल्दी से बताइए, हिंदी हिंदी सभी क्या आ रहे हैं दोस्तों। हाँ जी, यहां पे क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा, हिंदी करेक्ट आंसर होगा। तो फर्स्ट नंबर पे कौन सा है दोस्तों, फर्स्ट पे है इंग्लिश, क्या है दोस्तों, फर्स्ट पे है इंग्लिश, ठीक है। सेकंड पे क्या दोस्तों, सेकंड पे आपको उर्दू देखने को मिलेगी। थर्ड पे क्या मिलेगी दोस्तों, आपको हिंदी देखने को मिलेगी, ठीक है। और दोस्तों हिंदी जो है ये 22 लैंग्वेज में है, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में है, हाँ ना। चले आगे, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज कहां पे मेंशन है, 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में। चलिए अगला प्रश्न आप सामने ये रहा, Who among the following leaders was one of the founder of the Avadh Kisan Sabha in 1920? निम्नलिखित नेताओं में से कौन 1920 में अवध किसान सभा के संस्थापकों में से एक था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या वल्लभ भाई पटेल, फटाफट बताइए दोस्तों। यहां पे चलिए सी ऑप्शन आ रहा है, राजेंद्र प्रसाद। एम कह रहे हैं सर कंफ्यूजन है, सीताराम कह रहे सी, तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा भैया जवाहरलाल नेहरू। क्या बोल रहे हैं, अवध किसान सभा, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू करेक्ट है आंसर, ठीक है। बी ऑप्शन वेरी गुड, यहाँ पे तुलिका ने करेक्ट आंसर बताया है। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, Who among the following is the only president of India to have completed two terms in office till date? अभी तक निम्नलिखित में से कौन भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जिन्होंने आजकल एक दो आज तक दो कार्यकाल पूरे किए हैं, शंकर दयाल शर्मा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, एपीजे अब्दुल कलाम, राजेंद्र प्रसाद जी, फटाफट बताएंगे। यहां पे डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सभी कह रहे हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा राजेंद्र प्रसाद। क्या होगा दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद दोस्तों परमानेंट मेंबर बन गए थे, आपको याद है, कॉन्स्टिट्यूएंट के प्रेसिडेंट बन गए थे, जल्दी से बताइए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। कब बने थे, 11 दिसंबर 1946 को बन गए थे, ठीक है। उससे पहले कौन थे, टेम्परेरी थे, सच्चिदानंद सिन्हा, ये बन गए थे परमानेंट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी। इनके साथ वाइस प्रेसिडेंट बने थे एच सी मुखर्जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डज रिवर गंगा बाइफरकेट टू फॉर्म इट्स डिस्ट्रीब्यूटरी कॉल्ड भागीरथी हुगली। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गंगा नदी भागीरथी हुगली नामक अपने वितरण को बनाने के लिए विभाजित करती है, बर्धमान, फरक्का, नदिया और आसनसोल। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन, यहां पे कह रहे हैं फरक्का, कह रहे हैं फरक्का सभी कह रहे हैं, तो जी यहाँ पे करेक्ट आंसर, वेरी गुड शादाब, बहुत बढ़िया उषा रानी जी, बहुत बढ़िया। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, फरक्का, ऑप्शन नंबर टू, फरक्का इज द करेक्ट आंसर। दोस्तों गंगा नदी की बात की जा रही है, गंगा नदी कहां से निकलती है दोस्तों, गंगोत्री से निकलती है, ठीक है। गंगा लेकिन कब से कहा जाता है, पहले तो इसको भागीरथी कहते हैं, लेकिन जब ये अलकनंदा के साथ मिल जाती है, किसके साथ, अलकनंदा के साथ भागीरथी जब मिल जाती है तो देवप्रयाग पे मिलती है, कहां मिलती है, देवप्रयाग पे, और वहीं से हम गंगा कहना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अलका भागी देव के साथ अलकनंदा भागीरथी मिलते हैं तो देवप्रयाग पे बनता है, मतलब कॉन्फिडेंस जो है देवप्रयाग पे बनता है, ठीक है। तो गंगा नदी याद रखिएगा, कितनी लेंथ है दोस्तों, 2525 यहाँ पे किलोमीटर है, ठीक है। और इसको दोस्तों बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा नदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ही रहा, Who among the following was the India's first female cabinet minister? निम्नलिखित में से कौन भारत के पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी, सुचिता किपरानी, अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, फटाफट बताइए दोस्तों। यहां पे डी ऑप्शन कह रहे हैं
सरोजनी नायडू, कुछ लोग कह रहे हैं सर पंडित जी होना चाहिए। करेक्ट आंसर दोस्तों यहाँ पे क्या है, करेक्ट आंसर है यहाँ पे अमृत कौर। क्या दोस्तों, अमृत कौर थी कैबिनेट मिनिस्टर, पहली महिला कैबिनेट मिनिस्टर, याद रखेंगे ठीक है, कौन, अमृत कौर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा, Who among the following is the author of the book Angry River? निम्नलिखित में से कौन एक Angry River पुस्तक के लेखक है, झंपा लहरी, सुधा मूर्ति, चेतन भगत, रस्किन बॉन्ड, फटाफट बताइए। यहां पे जल्दी से बताएंगे, टू ऑप्शन कह रहे हैं, सुधा मूर्ति के साथ जा रहे हैं। यहाँ पे सब लोग सुधा मूर्ति के साथ दोस्तों, करेक्ट आंसर क्या है, रस्किन बॉन्ड है। इतना कंफ्यूजन कैसे हो सकता है दोस्तों, करेक्ट आंसर रस्किन बॉन्ड है, एंग्री रिवर के लेखक, ठीक है याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वेरी गुड सादा, बहुत बढ़िया माइम, वेरी गुड, रस्किन बॉन्ड करेक्ट आंसर है। हैक बाय हैकर तुलिका, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आप सामने रहा, विच रिवर वो हैज ट्रिब्यूटरीज नेम्ड पून और वर्धा, यहाँ पे बताना है किस नदी में पूना और वर्धा नाम की सहायक नदियां हैं, कृष्णा, तापी, महानदी और गोदावरी, फटाफट बता दीजिए दोस्तों। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा कि वर्धा और पूना। दोस्तों आपसे ऐसे पूछ लिया जाता है, आपसे लास्ट एग्जाम में पूछा गया था ओंग और तेल किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये महानदी की ट्रिब्यूटरी थी ओंग और तेल, ठीक है। अब लेकिन पूछा गया यहाँ पे पूना और वर्धा, ये भी पुराना ही पेपर है, फटाफट बता दीजिए, 14 दिसंबर 2020 शिफ्ट वन का पेपर है, ठीक है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, गोदावरी, क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, गोदावरी इज द करेक्ट आंसर। अब गोदावरी कहां से निकलती है दोस्तों, ये तो त्रिंबकेश्वर से निकलती है, कहां से निकलती है, त्रिंबकेश्वर से निकलती है, त्रिंबकेश्वर कहां पे है, नासिक में है, और नासिक कहां पे है, महाराष्ट्र में है, ठीक है। गोदावरी को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्ध गंगा कहते हैं, और क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा, साउथ गंगा भी कहते हैं। आगे बढ़े, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इन विच ईयर वॉज द डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन एस्टेब्लिश बाय बी आर अम्बेडकर, बी आर अम्बेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की थी, 1930, 1935, जल्दी से बताइए, बी आर अम्बेडकर जी ने किस वर्ष में की थी। और दोस्तों यहां पर अभी हम 80 लोग लाइव हैं, लेकिन लाइक सिर्फ 48, ऐसा क्यों, फटाफट से इसको बराबर कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, और जिन्होंने अभी तक शेयर नहीं किया फटाफट से शेयर करेंगे। 1930, 30, 30, तो दोस्तों 1930 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। दोस्तों बी आर अम्बेडकर जी की बात हो रही है, बी आर अम्बेडकर जी का जन्म कब हुआ था, 1891 में हुआ था, कहां पर हुआ था, महू में हुआ था, महू कहां पे है दोस्तों, ये है एमपी में। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्या कहते हैं दोस्तों, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने दोस्तों क्या है, ये चेयरमैन भी थे किसके, ड्राफ्टिंग कमेटी के, किसके थे दोस्तों, चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, ये याद रखेंगे ठीक है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन आप सामने ये रहा, ओ हो, यहाँ पे समय होता है समाप्त, और दोस्तों यहाँ पर हमने आज एक पेपर एसएससी सिलेक्शन फेज 9 का लगाया है फॉर 10, क्योंकि आपको पता है अब हम फेज 10 की तैयारी करने वाले हैं, तो स्टार्ट हमने किससे किया था, फेज 9 का एक प्रीवियस ईयर पेपर हमने लगाया है, ठीक है, जिससे आपको पता चल गया कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आर्ट एंड कल्चर के, ट्राइब के, ऑथर के, सारा क्वेश्चन आपको पता चल गया। 14 दिसंबर कब का था पेपर दोस्तों, ये 14 दिसंबर 2021 शिफ्ट वन का पेपर था ये, ठीक है दोस्तों। तो यहां से आपको सारी चीजें पता चल गई, भाई क्या वेटेज रहता है, किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, अब इसी को बेस लेके आगे की तैयारी को अपन प्रिपरेशन करेंगे। तो यहाँ पे अभी अगर आपने मॉक नहीं लगाना स्टार्ट किया है तो आज से अब स्टार्ट करिएगा, प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिएगा, और आप पास बाय कर सकते हैं, डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग कोड गैम पास। इसको कैसे अवेल करना है फटाफट से देख लेते हैं, सिंपली आपको क्या करना है दोस्तों, यूट्यूब पे चले जाना है, चलिए यूट्यूब पे जाते हैं, यूट्यूब पे जाएंगे और टेक्स्ट बुक के किसी भी वीडियो पे चले जाइएगा, ठीक है, किसी भी वीडियो पे। तो चलिए आप पर चले आते हैं टेक्स्ट बुक के किसी भी वीडियो पे, ये रही अपनी वीडियो, इसी पे चलते हैं, नीचे की तरफ आना है, और दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो जिन्होंने लाइक नहीं किया है क्या करना है, लाइक बटन दबाना है, ठीक है। और पहला यहाँ पे दोस्तों लिंक है, इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होगा जहां पे सारी डिटेल्स दी होंगी, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे मंथली टेक्स्ट बुक 299, ईयरली टेक्स्ट बुक 399 और लाइफ टाइम दिया है 599। अब हम इनके साथ गेम खेलेंगे, गेम क्या खेलेंगे, अप्लाई कूपन, और कूपन में अप्लाई करेंगे गेम पास, क्या दोस्तों, GAMPASS, इसको अप्लाई करते हैं दोस्तों। आपके सामने देखिए जो 299 था वो 270, जो 399 था वो 360, जो 599 था वो 540। और दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम नहीं, 530 से भी ज्यादा एग्जाम है कवर्ड, यहाँ पे 40,000 मॉक टेस्ट है और 11,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो
यहाँ पे 13 लाख से भी ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़ चुके हैं। आप इनके साथ फाइट कर सकते हो, अपनी तैयारी को दुगनी कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। अगर आप नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम पे आपको सर्च क्या करना है, गौरव मौर्य सर टेस्ट बुक। क्या करेंगे दोस्तों, गौरव मौर्य सर टेस्ट बुक आप सर्च करेंगे, आपको एक पब्लिक चैनल मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर सारी पीडीएफ अपडेट कर दी जाती है। और दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन अप टू डेट मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं दोपहर 2 बजे अगले सेशन में, जहां पर हम RRB NTPC लेवल 2, 3, 5 की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक नई एनर्जी के साथ और एक नए सेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। आपका दोस्त आपसे अलविदा लेता है। जय हिंद, जय भारत।